तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इस नॉट कॉइन को ना अपने बाइनेंस या फिर बाइबिट में और फिर वहां से इसको कैसे अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो। एकदम सिंपल एंड इजी तरीका बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को कोई स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में ए टू जेड टोटल प्रोसेस बताऊंगा, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आए तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पर मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो भाई एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करना। अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। देखो सबसे पहले इस विड्रॉ करने के लिए आपको जो भी एप्लीकेशन का नीड होगा ना, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबका लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब पहले बताता हूँ कौन कौन सा एप्लीकेशन आपको चाहिए। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन का चाहिए आपको भाई टोन कीपर, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना इसको टोन कीपर, या फिर मैं सबका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन चाहिए भाई बाइनेंस या फिर बाइबिट, दोनों में से कोई आपके पास एक होना चाहिए, दोनों में से किसी में भी आपका एक अकाउंट होना चाहिए और फुल केवाईसी के साथ होना चाहिए, केवाईसी होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक एप्लीकेशन रहेगा तो आपका मतलब हो जाएगा, और जो भी प्रोसेस बताऊंगा ना भाई, दोनों में सेम ही प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो भाई ज्यादा मतलब फंसना मत, दोनों का प्रोसेस सेम ही होने वाला है, किसी में बताऊंगा, ठीक है। और तीसरा एप्लीकेशन है भाई सन क्रिप्टो, सन क्रिप्टो आपके पास होना चाहिए तभी इस पैसे को अपना अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सको एकदम इजी तरीके से। तो इसका अकाउंट आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं अकाउंट है तो इसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर क्लिक करके इसमें अपना अकाउंट ओपन करना और केवाईसी भी कर लेना मस्ट, ठीक है। अब चलते हैं इसका वीडियो। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले टोन कीपर ऐप को डाउनलोड करके ओपन करना, ठीक है। जैसे ही ओपन करते हो इसमें ना बस एक वॉलेट क्रिएट करना, एक मिनट का काम आता है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर मतलब करोगे तो आपका यहाँ पर वॉलेट इजिली क्रिएट हो जाएगा, जैसे वॉलेट इसमें क्रिएट हो जाते बस सिंपल इसका काम आपका हो गया। अब आपको इसको कट कर देना है, ठीक है। कट करके आपको जाना है अपने टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम को होम पेज पर जाना है और ऊपर में आपको यहाँ पर सर्च करना है नॉट कॉइन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर नॉट कॉइन सर्च करोगे तो आपका यहाँ पर नॉट कॉइन वाला बोट आ जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर नीचे मेन्यू पर क्लिक करके एक बार स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे करते हो तो अब इसमें ओपन करना, जैसे ही यहाँ पर ओपन करते हो तो अब आपको ना यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर शो होगा, ठीक है। पहला बोलेगा यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट करने के लिए, या फिर जिनका ना पहले से रिफंड आ गया टेलीग्राम के वॉलेट में आ गया, तो उसका भी मैं आगे तरीका बताऊंगा कि आप वहाँ से कैसे विड्रॉ कर दो। इस वीडियो में थोड़ा दो प्रोसेस बताने वाले इसको कैसे विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सिंपली कनेक्ट वॉलेट करने के लिए बोलते कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना और ऐसे ना टोन कीपर को मतलब कनेक्ट करना, ठीक है। टोन कीपर क्लिक करना और उस पर डायरेक्ट टोन कीपर ऐप में ओपन हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर कनेक्ट पर ना ऊपर क्लिक करेंगे, इसको कनेक्ट करना, ठीक है। मेरे यहाँ पर कनेक्ट हो गया, सिंपली फिर से आओगे टेलीग्राम पर तो वापस बाइक आ जाओगे इस वाले पेज पर, ठीक है। जिससे अब यहाँ पर आओगे तो अब सिंपल यहाँ पर समझो इसको कैसे प्रोसेस करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सिंपली आपको ऊपर तीर के आइकन है, ठीक है ना, तीर के आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाले एक्सचेंज पर आपको क्लिक करना होगा, जिससे इस पर क्लिक करता हो अब यहाँ पर टोटल तीन आ जाएगा, पहला बाइनेंस, दूसरा ओकेस और तीसरा बाइबिट। ओकेस को मत करना क्योंकि ये मतलब इंडिया में बैन है, ठीक है। तो मैं बाइनेंस से फिर बाइबिट दोनों का तरीका सेम ही होना, तो मैं बाइनेंस में बताता हूँ, ठीक है। बाइनेंस पर क्लिक करना, अब यहाँ पर बोलेगा अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं तो क्रिएट करना, अगर है तो सिंपली नीचे कीप गोइंग पर कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर कर लेते हो तब आपसे यहाँ पर ना डिपोजिट एड्रेस मांगता है और मेमो मांगता है, ठीक है, डिपोजिट एड्रेस और मेमो। सिंपली आप जाना अपने बाइनेंस अकाउंट में, जैसे ही जाते हो तो यहाँ पर होम पेज पर या फिर वॉलेट के सेक्शन पर चले जाओ, मतलब स्पॉट वॉलेट पर, वहाँ पर डिपोजिट का एक ऑप्शन होगा, डिपोजिट पर क्लिक करो, डिपोजिट क्रिप्टो, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर में सर्च करो नॉट, ठीक है, नॉट कॉइन जैसे सर्च करते हो तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, सिंपली उस पर क्लिक करना। अब यहीं पर एक इंस्ट्रक्शन पहले इंपॉर्टेंट तरीका बताया कि आपको एड्रेस और मेमो दोनों वहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है, दोनों फिल करना जरूरी है, नहीं तो आपका मतलब विड्रॉ में फिल इशू आ सकता है, ठीक है। पहला में ऊपर में आपको एड्रेस दिया होगा और नीचे में मेमो दिया होगा, ठीक है। मेमो को देखो, मेमो को जगह अपना किसी किसी में टैग रहता है या फिर कमेंट रहता है, ठीक है, वो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। सिंपली एड्रेस जो एड्रेस कॉपी करना और मेमो को जगह पर सिंपली यहाँ पर मेमो कॉपी करके यहाँ पर सबमिट करना, उसके बाद नीचे आपको कीप गोइंग पर क्लिक कर देना, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना ना, आप मतलब एड्रेस को और अपने मेमो को एक बार अच्छे से मिलाना, मतलब कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक बार और यहाँ पर कंफर्मेशन करने के लिए बोलता है कि आपका एड्रेस और मेमो सही है कि नहीं, तो आप एक बार मिला लेना, ठीक है। और नीचे मैं आपको बताया केवाईसी पास, मतलब जिस भी एक्सचेंज में आप विड्रॉ करोगे उसमें केवाईसी मस्ट आपके पास होना चाहिए, तो मस्ट पहले केवाईसी कर देना, ठीक है। उस पर नीचे आपको यहाँ पर लुक्स गुड पर क्लिक करना, ठीक है, नीचे एक बार क्लिक करना। जैसे यहाँ पर सब कुछ चेक करके क्लिक करते हो तो अभी आपका ना यहाँ पर मतलब बोलेगा कन्फर्म विड्रॉ करने के लिए, एक बार और तो नीचे सिंपली क्लिक करना और यहाँ पर देखना भाई एक ना आपको इसमें एक 1.5% का फी लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, इसमें 1.5% का फी लगेगा। अगर इस तरह का आपको ऑप्शन दिखाता है सिंपली आप पकड़ कर नीचे कन्फर्म पर क्लिक करना और डन। अब आपका ना ये विड्रॉल मतलब 2 से 5 मिनट या फिर 10 मिनट के अंदर आपके बाइनेंस के अकाउंट में चल जाएगा, जहाँ भी आपने जिस भी एक्सचेंज पर बाइनेंस में फिर। अब आपका वेट करना, आपके देखोगे होम पेज पर आकर यहीं पर ना आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर जीरो हो जाएगा, टोटल नॉट कॉइन आपके यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर विड्रॉइंग में शो होने लगा, मतलब विड्रॉइंग प्रोसेसिंग में शो होने लगा, ठीक है। अब आपको वेट करना है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट या फिर 10 मिनट, ठीक है। उसके बाद जिस भी एक्सचेंज में आपने विड्रॉ किया होगा, चाहे बाइनेंस में फिर बाइबिट में, तो अपना ना यहाँ पर आ जाएगा सिंपली स्पॉट वॉलेट, मतलब टोटल यहाँ पर नॉट कॉइन आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर नॉट कॉइन आपको दिखने लग जाता है बस वेट करना, ठीक है। ये पहला मैंने तरीका बताया, अब इसके आगे कैसे बैंक में विड्रॉ करोगे मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मतलब पहले बताऊंगा नहीं कि अगर जिनका मतलब पहले जिन्होंने मतलब विड्रॉ किया होगा और उनका रिफंड आ गया टेलीग्राम के वॉलेट में, उनका प्रोसेस क्या होने वाला है वो भी सेम बताऊंगा, ठीक है। मैंने जो भी भाई अभी तक प्रोसेस बताया उम्मीद करता
दूं भाई, मतलब अब आपको समझ में आया होगा बाइनेंस और बाइबिट का दोनों का प्रोसेस सिमिलर है। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं तो अभी वेट करो, ठीक है। अब जिनका टेलीग्राम में फंसा हुआ है तो उनको उनके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले टेलीग्राम ओपन करना और सर्च करना यहाँ पर वॉलेट, ठीक है। सबसे पहले वॉलेट सर्च करोगे तो आपका टेलीग्राम का यहाँ पर नीचे में वॉलेट आ जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको ना इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली यहाँ पर नीचे एक वॉलेट का आइकन होगा नीचे, उस पर क्लिक करना। अब आपको ना कुछ लोग का यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ जितना भी मतलब हो लगा और यहाँ पर टोन स्पेस में यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। और जितना भी नोट कॉइन होगा यहाँ पर नीचे उनका शो हो रहा होगा कि इतना मतलब इतना डॉलर का आपका नोट कॉइन है वहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। अब टोन स्पेस में जिनका यहाँ पर ऐसा यहाँ पर शो हो रहा होगा उनके लिए क्या तरीका भाई, उनके लिए ना थोड़ा सा उनको मेहनत करना होगा, ठीक है। ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा मेहनत करो। अब यहाँ से थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझो अब उनके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना और सेटिंग पर जाना, और यहाँ पर ना एक टोन स्पेस बीटा दिख रहा है ना वो ऊपर में, ठीक है। इसमें ना ऑन करने का एक ऑप्शन आएगा, अभी मेरे अकाउंट में नहीं लेकिन आपको इस तरह का एक ऑप्शन देख सकते हो स्क्रीनशॉट में, आपको एक ऑन करने का ऑप्शन देगा, सिंपली इसको ऑन कर देना। जैसे ऑन करके अब आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आ जाना टाइप टू व्यू वी फ्रेज, ठीक है। ये की टाइप का होता है, सिंपली इसको टाइप करके ओपन करना और इसको कॉपी करना, ठीक है। इसको सबसे पहले यहाँ पर अपना मतलब कि इसको कॉपी करके कहीं भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लो ताकि इसको भूल ना पाओ, ठीक है। इसको कॉपी करना, जैसे ही कॉपी कर लेते हो अब आपको क्या करना है, टोन कीपर ऐप को ओपन कर, ठीक है। टोन कीपर ऐप को ओपन करना, जैसे ओपन कर लेते हो तो अब आपका यहाँ पर वॉलेट तो पहले होगा, या फिर चाहो तो यहाँ पर जैसे ही अगर आओगे तो यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग वॉलेट करने का ऑप्शन दिखता है, मतलब बताता हूँ। सिंपली वॉलेट पर क्लिक करना और चाहो तो यहाँ पर ऐड वॉलेट पर क्लिक करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको ना यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग वॉलेट पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर मतलब आपका पहले से ऑलरेडी वॉलेट है, सिंपली उस पर क्लिक करना। अब यहाँ पर ना टोटल 24 फ्रेज आपको यहाँ पर डालने के लिए बोलेगा, जो आपने अभी टेलीग्राम से कॉपी किया था ना फ्रेज को, उसको यहाँ पर टोटल 24 में पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर टेलीग्राम का मतलब फ्रेज यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर फ्रेज को कॉपी कर दो, जैसे कॉपी कर दो तो अब आपके यहाँ पर नोट कॉइन दिखने लगा, जितना भी अपने अमाउंट किया होगा यहाँ पर दिखने लगा, जितना भी होगा उसको सिंपली सेंड पर ऊपर में क्लिक करो। अब आपको यहाँ पर सेंड करना है अपने मतलब जहाँ भी जिस भी एक्सचेंज में लेना चाहते हो वहाँ पर सेंड करो, ठीक है। चाहो तो बाइनेंस में फिर बाइबिट जहाँ भी करना चाहते हो प्रोसेस सेम ही होना है, ठीक है। सिंपली जाना बाइनेंस में, उस पर यहाँ पर जाना वॉलेट के सेक्शन पर और स्पॉट वॉलेट पर, और यहाँ पर सिंपली डिपॉजिट पर क्लिक करना और यहाँ पर ना सर्च करना नॉट कॉइन, ठीक है। नॉट कॉइन जैसे सर्च करोगे यहाँ पर आ जाएगा टोन कॉइन का, सिंपली उस पर क्लिक करना। और यहाँ पर भी आपको वही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है कि एड्रेस और मेमो डालना आपका जरूरी है, दोनों में से कोई भी एक मिस होता है तो भाई आपका विड्रॉल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपली ऊपर में एड्रेस दिया होगा, नीचे मेमो दिया होगा, ठीक है। सिंपली एड्रेस कॉपी करके यहाँ पर डाल देना, उसके बाद मेमो को जगह पर ना देखो अलग अलग एक्सचेंज में अलग अलग नेम रहता है, इसमें मेमो होगा, किसी में टैग होगा, किसी में कमेंट होगा, तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। ये मस्ट डालना ही डालना, इसको मिस मत करना, ठीक है। तो कमेंट की जगह पर यहाँ पर मेमो डालना, ठीक है। उसको यहाँ पर आ जाएगा कितना विड्रॉ करना चाहते हो, सिंपली मैक्स पर क्लिक करना, जिससे जितना रहेगा टोन कॉइन यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ना आपका विड्रॉल फी लगेगा, देखो यहाँ पर फी लगेगा 0.1 फी टोन फी लगेगा, ठीक है। इस चीज को आपको करने के लिए आपको इसमें डिपॉजिट करना होगा 0.1 टोन, ठीक है, लगभग 3 से 4 डॉलर या फिर 5 डॉलर के आसपास इसमें विड्रॉ मतलब डिपॉजिट करना होगा। तो उसका प्रोसेस मैं बता दूँ, चाहो ना क्या करो, किसी भी एक्सचेंज से आप क्या करो, पहले सबसे पहले टेलीग्राम के वॉलेट पर जाकर वहाँ पर पहले टोन को मतलब डिपॉजिट करो, वहाँ पर डॉलर में पहले डिपॉजिट करो, ठीक है। और डॉलर में डिपॉजिट करके यहाँ पर आकर इस टोन कीपर ऐप में इसको डायरेक्ट स्वाइप करना, स्वाइप करना तो हो जाएगा टोन में, डॉलर से टोन में स्वाइप हो जाएगा। और फिर जब आप विड्रॉ करोगे नोट कॉइन को तो उसको वो विड्रॉ हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना भाई ना, कि जो आपने माइनिंग किया है ना तो वो नोट कॉइन है और जो फी लग रहा है वो टोन कॉइन है, ठीक है। तो दोनों में भाई दोनों अलग अलग कॉइन है, इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों अलग, नोट कॉइन अलग है, टोन कॉइन अलग है। नोट कॉइन जो आपने माइनिंग किया है वो है और जो टोन कॉइन फी लग रहा है वो टोन कॉइन लग रहा था, ठीक है। आपको टोन कॉइन इसमें मतलब डिपॉजिट करना होगा 0.1 का टोन पॉइंट कॉइन, ठीक है, लगभग 3 से 4 डॉलर या फिर 5 डॉलर के आसपास इतना लगेगा, ठीक है। अब इतना हो गया, अब इसको प्रोसेस समझो, अब आगे का प्रोसेस आप इसको बैंक में कैसे लोगे, ठीक है। अब यहाँ से बैंक का प्रोसेस समझो कि आप ये पैसा बैंक में कैसे जाएगा। अब जो भी आपने यहाँ पर विड्रॉ किया होगा यहाँ पर आ जाएगा, सिंपली आपका यहाँ पर आ जाएगा मतलब नोट कॉइन में यहाँ पर आ जाएगा, नोट कॉइन में आ जाएगा ना यहाँ पर नीचे नोट कॉइन दिखा, ठीक है। अब इसको करने के लिए आपको सिंपली ट्रेड पर जाना होगा, बीच वाले उसके बाद यहाँ पर ऊपर में पेयर में सर्च करना होगा, मतलब NOT और /USDT, ठीक है। ये सर्च करना होगा ताकि इसको पहले USDT में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप इसको बैंक में विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से NOT/USDT सर्च करना, उसके बाद सेल पर जाना और यहाँ पर जितना भी आपका अमाउंट रहेगा ना सिंपली इसको ड्रैग करोगे, जितना भी आपको विड्रॉ करना होगा सेल करना होगा जितना भी, सिंपली यहाँ पर 100% करना है, ठीक है। करके यहाँ पर नीचे सेल अनाउट पर क्लिक करना, ठीक है। जितने सेल करोगे तो आपका टोटल नॉट ना कन्वर्ट हो जाएगा USDT में, मतलब USDT में सेल हो जाएगा। अब उस पैसे को ना आप चाहो किसी भी एक्सचेंज पर लो या फिर उसको विड्रॉ करो, जो मन तो करो, ठीक है। तब यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर USDT में, जितना भी करोगे आपका यहाँ पर USDT में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी करके नहीं दिखा पा रहा हूँ लेकिन आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आपका यहाँ पर जैसे ही कन्वर्ट करोगे टोटल यहाँ पर USDT में आ जाएगा। अब जैसे ही USDT में आ जाता है तब इसको बैंक में लेने के लिए ना प्रोसेस क्या है वो समझो। अब देखो अगर आप बैंक में विड्रॉ करोगे ना तो USDT से अगर विड्रॉ करोगे तो आपको ना इसमें $1 का फीस लग जाएगा, लेकिन उसका मैं एक तरीका बताता हूँ जिसमें आपका फीस बहुत कम लगेगा, ठीक है। उसका तरीका ये है ना कि इसमें आपको TRX में कन्वर्ट करना होगा, एक बार TRX में कन्वर्ट कर दो USDT को, सिंपली ट्रेड वाला ऑप्शन पर जाना और ऊपर में एक कन्वर्ट का ऑप्शन होगा, ठीक है। कन्वर्ट पर क्लिक करना और यहाँ पर ना ऊपर जैसे यहाँ पर फॉर्म में पूछ रहा है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना USDT जो आपने अभी टोन को कन्वर्ट किया ना टोन कॉइन को नोट कॉइन को, ठीक है। USDT यहाँ पर सर्च करना जो आपका USDT में अमाउंट होगा और दूसरे में आपको TRX सर्च करना होगा,
ठीक है, हमें यूएसडीटी से टीआरएक्स में कन्वर्ट करना होगा टोटल अमाउंट को। सिंपली अपना मैक्स पे क्लिक करके कन्वर्ट करना है, तो टोटल आपका अमाउंट ना यूएसडीटी से टीआरएक्स में जाएगा। ठीक है, अभी देखो भाई ज्यादा कंफ्यूज मत होना, पहले हमने बाइनेंस से मतलब कन्वर्ट किया यूएसडीटी में और नॉट कॉइन से यूएसडीटी में कन्वर्ट किया और यूएसडीटी से टीआरएक्स में कन्वर्ट किया, ताकि हमें फीस ज्यादा ना देना पड़े बैंक में विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट टीआरएक्स में जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर टीआरएक्स में आ जाते हैं, अब आपको विड्रॉ करने के लिए अब आपको लास्ट एक एप्लीकेशन चाहिए भाई, मतलब सन क्रिप्टो। ठीक है, इसमें नहीं अकाउंट है भाई, जाकर मस्ट इसमें अकाउंट बना लो और केवाईसी भी कंप्लीट कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो जाए आपका कंप्लीट, जैसे ही करते हो तो भाई इसमें ना आपको साइनअप करते हैं अपू 250 रुपये तक भी मिलता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते से वीडियो तरफ चलता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, जैसे आपका केवाईसी कंप्लीट सब कुछ हो जाता है, इसमें सिंपली आपको यहाँ पर नीचे पोर्टफोलियो पर जाना होगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर पोर्टफोलियो का ऑप्शन होगा, इस पर जाना जाओ। ठीक है, जाने के बाद आपको ऊपर में सर्च करना होगा टीआरएक्स, क्योंकि अभी हमें उस वाले बाइनेंस से हमें टीआरएक्स लेना है सन क्रिप्टो में, सन क्रिप्टो से डायरेक्ट बैंक में जाएगा। ठीक है, अभी इसमें सर्च करो टीआरएक्स, टीआरएक्स जैसे ही सर्च करते हो आपके यहाँ पर डिपॉजिट का एक ऑप्शन दिखा, सिंपली डिपॉजिट पर क्लिक करो। अब आपके यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, टीआरएक्स का ये एड्रेस आ जाएगा, सिंपली इस टीआरएक्स के एड्रेस को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अब चले जाओ अपने बाइनेंस में, जहाँ भी जिस एक्सचेंज पर आपका यहाँ पर है, ठीक है, उस पर चले जाओ, उस पर टीआरएक्स पर क्लिक करो। अब यहाँ पर नीचे विड्रॉल का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करके और सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क पर क्लिक करो। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपको आपको ऊपर आ जाएगा एड्रेस डालने का ऑप्शन। ठीक है, सिंपली वही जो अपने एड्रेस कॉपी किया ना वो वाला मतलब टीआरएक्स का, सिंपली वो यहाँ पर डालना। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ से कॉपी करना, ध्यान से उसको यहाँ पर आकर डालना। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क में यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट रहेगा TRC20। ठीक है, और यहीं पर देखो, यहीं पर नीचे देखेगा ना फी एक TRX मतलब $0.12 के आसपास लग रहे। तो अगर आप TRX से विड्रॉ करते हो तो आपका बहुत ही कम चार्ज देना होगा, मतलब लगभग 8 से 10 रुपये देना होगा चार्ज यहाँ पर। ठीक है, अगर आप डॉलर से USDT में अगर विड्रॉ करोगे तो आपको $1 देना होगा यहाँ पर चार्ज, जो कि होता है भाई 70 से 80 रुपये से होता है। ठीक है भाई, हम उससे नहीं करके TRX करना। ठीक है, TRX से यहाँ पर विड्रॉ करें, सिंपली इसको ऐसे ही सिलेक्ट रहने देना, सिलेक्ट कर देना, उसको यहाँ पर जितने भी रहेगा ना आपका मतलब TRX, सिंपली यहाँ पर मैक्स पर क्लिक कर देना, क्लिक करके सिंपली यहाँ पर विड्रॉ करना। जैसे ही करोगे विदिन दो से तीन मिनट के अंदर आपका ना जितने भी TRX रहेगा टोटल आ जाएगा सन क्रिप्टो ऐप में। ठीक है, यहाँ पर सन क्रिप्टो में आ जाएगा जितना भी TRX रहेगा, सिंपली जाना पोर्टफोलियो पर, यहीं पर आपको दिखने को मिल जाएगा TRX जितना भी अमाउंट रहेगा। जैसे कि इस तरह का अगर मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ना बिटकॉइन का, ऐसे ही आपको सेम TRX दिख रहा है। जैसे यहाँ पर आता है सिंपली यहाँ पर सेल ना ऊपर क्लिक करना, उसके बाद यस आई एम एग्री पर क्लिक करके और जितने भी अमाउंट यहाँ पर सेल करना, जितने भी आपको बैंक में चाहिए सिंपली यहाँ पर 100% भी कर देना, उसके बाद यहाँ पर सेल करना। जितने भी करोगे अब ये जितना भी मतलब TRX को यहाँ पर 100% करके सेल कर दोगे, ये टोटल अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर आपके बैलेंस मतलब आइनर वॉलेट में आ जाएगा। अब इस पैसे को आप डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ कर सकते हो इंस्टेंट। ठीक है, मतलब इंस्टेंट अभी टोटल अमाउंट पर आ जाएगा बैलेंस में, उस पर सिंपली आप सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है, उस पर जितना भी आपको अमाउंट पर विड्रॉ करना होगा, जितना भी आपको करना होगा सिंपली पर अमाउंट डालना। बस इसमें आपको 10 रुपये का केवल फीस लगेगा, जितना भी अमाउंट विड्रॉ करोगे केवल 10 रुपये का आपको फीस देना होगा, और विदिन आधे घंटे से लेकर मतलब 30 मिनट के अंदर 1 घंटे के अंदर आपका पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाएगा। भाई एकदम जेन्युइन तरीका मैंने बताया, जितना भी मतलब तरीका मैंने को पता चला सब कुछ मतलब मैंने छांट मतलब करके जितना मतलब अपने तरफ से मैंने को जितना अच्छा लगा मैंने आपको बता दिया। आप कैसे नॉट कॉइन को वीडियो करेगा अपने बाइनेंस में फिर बाइबिट में, और वहां से कैसे इसको वीडियो करेगा अपने सन क्रिप्टो में, और सन क्रिप्टो से कैसे इसको वीडियो करेगा अपने बैंक में। भाई मैंने जितना टोटल तरीका मैंने मतलब मेरे को पता लगा मैंने आपको बता दिया। और हाँ भाई, टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाना, और अपने सेम नॉट कॉइन जैसा ना और भी 6-7 मैंने मतलब ऐसा माइनिंग बोर्ड दे दिए, सिंपली जाकर माइनिंग करते रहो डेली, ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। मैं जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को मैसेज कर पूछ लेना।